मानिक शाह जी का नया अधिकारी। हाँ, मेरा शुभकामना है, चले सरकार कोई काम करे जनता के लिए। पार्टी ने बहुत अच्छी डिसीजन लिया है, पार्टी और शक्तिशाली बनेगा। क्या बड़ा चैलेंज है इस बार आप लोगों के लिए, क्योंकि 10 महीने बाकी रह गए हैं चुनाव को, क्या इसी चेहरे को लेकर आप लोग फिर से उतरेंगे मैदान में? क्या इसी चेहरे को लेकर फिर से मैदान में उतरेंगे 2023? समझा नहीं आपको आपका। मानिक शाह जी ही सीएम कैंडिडेट होंगे 2023 में, उनको ही चेहरा को सामने रखते चुनाव बोल सकता हूँ मैं, केंद्र से तय करते हैं ना। जी, तो क्या सबसे बड़े चैलेंज क्या है? तो चिंता को नहीं, केंद्र नेतृत्व नहीं है ना। কম সে কম পঁয়ত্রিশ 36 বছর হয়ে গেছে আমার তো, মানে অভিমানে কি প্রশ্ন আছে? অনুষ্ঠান শেষে কেন উপস্থিত হলেন? আমার একটু দেরি হয়ে গেছে, কারণ ওরা এসেছিল আমার বাড়িতে, একসঙ্গে এসেছি আমরা এমডিসি কে নিয়ে। এখন বৈঠক কি ফলপ্রসূ হয়েছে আপনাদের? হ্যাঁ, আমি কি লিখবো? कौन हो सकता है अपोजिशन के तौर पे आप लोग किसको देख रहे हैं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस सरकार जो है हमारा चैलेंज हम ही है, हमको सीट बनाना है। तो लेफ्ट पार्टी भी क्या लग रहा है कि आप लोगों को चुनाव में टक्कर दे सकते हैं? लेफ्ट तो लेफ्ट आउट हो गया। टीएमसी को किस तरह किस जगह में देख रहे हैं? वो बोले 26% है, 26% का वोट परसेंटेज है और अपोजिशन के तौर पर अपने आप को दावा कर रही है। देखिए, जो हारता है वो परसेंटेज देखता है, जो जीतता है वो सीट गिन के लेता है। क्या लग रहा है कि पूर्ण बहुमत से आ रहा है? मुख्यमंत्री बदल हो चले, बड़ा बड़ा मुख्यमंत्री बदल, कांग्रेस के समय से सेम चित्र टाइप तो हो चले, कोबे कांग्रेस नाम हो गए, ये चित्र टाइप को देखा गया था। তাতে কি হয়েছে? তাতে কি হলো? ও ছেলে ফেলে এটা কি 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 সম্বন্ধ? এটা একটা কানেক্ট করবার জন্য চেষ্টা চলছে না, তারা কি কি কানেক্ট করবে? এটা এখানে ফুল, এই বাগানে ফুল ফুটেছে তো কাশ্মীরে ফুল ফুটে, এটা কি কি কানেকশন আছে? এখন কোনো কানেকশন থাকে নাকি? এই বাগানে ফুল আছে তো শালিমার বাগেও ফুল আছে, কি কানেকশন?